टोटली खर्चा यानी कि गाड़ी को एक पुरानी लेने के बाद उसको एक शोरूम पीस बनाने तक पूरा का पूरा मैकेनिक का, पेंटर का और स्पेयर पार्ट का खर्चा कितना आता है, ये सारी बातें हमने किसी भी वीडियो में नहीं बताई, लेकिन हम इस वीडियो में टोटल बातें बताएंगे कि चलो अगर आपको पुरानी गाड़ी को नई बनानी है, नई जैसी बनानी है तो दोस्तों बहुत सारे वीडियो देखी है, लेकिन टोटली खर्चा यानी कि गाड़ी को एक पुरानी लेने के बाद उसको एक शोरूम पीस बनाने तक पूरा का पूरा मैकेनिक का, पेंटर का और स्पेयर पार्ट का खर्चा कितना आता है, ये सारी बातें हमने किसी भी वीडियो में नहीं बताई, लेकिन हम इस वीडियो में टोटल बातें बताएंगे। 1 मिनट के लिए मैं पूरी की पूरी जानकारी आप इस वीडियो में दूंगा। ओके, तो देखिए दोस्तों, अगर पेंटिंग की बात की जाए, बहुत बहुत जगह पे फेरी हो जाती है। अगर पुणे में करोगे तो अलग रहेगा, यहाँ पे अलग रहेगा, लेकिन अप्रोक्सीमेट 7 से लेके 8 हजार तक, 7 से लेके 10 हजार तक पकड़ के चलो, यानी कि 7 हजार रुपये पेंटिंग की रहे। ओके, गाड़ी को कलर करते समय टोटली डिसमेंटल करना होगा। डिसमेंटल करने की जो कॉस्टिंग है दोस्तों, वो जाती है, जो मैकेनिक होते हैं वो अप्रोक्सीमेट लेते हैं 3 हजार से लेके 5 हजार तक। ओके, यानी कि 8 हजार पकड़ लो, 8 हजार के बाद ये 5 हजार रुपये। ओके, 8 और 5 12 हजार रुपये हो गए। ओके, उसके बाद जो गाड़ी के नट बोल्ट्स थे, जो बिठाए थे हैंडल के पास के होते हैं, शाफ्ट होता है, यानी कि टोटली जो नट बोल्ट्स होते हैं उसको हमने प्लेटिंग किया। प्लेटिंग के चार्ज टोटली नट बोल्ट्स, ब्रेक पैडल, किक, इसका टोटली पेंटिंग यानी कि प्लेटिंग की चार्ज गई है 2 हजार तक, यानी कि 1.5 हजार तक गई है, लेकिन जाने का, उस डालने का, आने का, ये सारा टोटल चार्ज पकड़ा जाए तो 2 हजार तक जाता है, यानी कि 12 और ये 2 14 हजार रुपये। ओके, गाड़ी के हेडलाइट बदली है हमने, स्पीडोमीटर बदला है, टेल लाइट, स्पीडोमीटर की काली कांच बदली है और टेल लाइट बदली है, उसके बाद नॉर्मल नॉर्मल पार्ट बदले, उसमें 5 हजार रुपये दे, 5 हजार रुपये पकड़ के चलो। ओके, तो उसका हो गया 14 और 5 19 हजार तक, यानी कि टोटल गाड़ी पुरानी गाड़ी से नई गाड़ी। इस गाड़ी में इंजन काम कुछ भी नहीं था। ओके दोस्तों, इंजन काम रहेगा तो 2-3 हजार रुपये उसमें बढ़ जाते हैं, यानी कि मान के चलो अगर आपको पुरानी गाड़ी को नई बनानी है, नई जैसी बनानी है, तो 15 हजार से लेके 20 हजार तक खर्चा जाता है। बहुत सारे दोस्त बोलते हैं कि क्यों लगता है इतना खर्चा, लेकिन देख लो ये सारी सारी चीजें होती है, एक एक फैक्टर होता है, कलर का, मैकेनिक का और जो बाकी के छोटे मोटे पार्ट्स डालने का, इसका खर्चा इतने तक जाता है। देखिए दोस्तों, पुरानी गाड़ी को अगर बनाएंगे ना आप इंजन काम करके, कलर करके, तो एकदम नई जैसे शोरूम जैसी बन जाती है। अगर आप नई गाड़ी की कॉस्ट देखा जाए तो 1 लाख से लेके 1 लाख के ऊपर ही है। इसलिए अगर आप 20 हजार भी खर्चा करेंगे तो पुरानी गाड़ी एकदम नई जैसी दिखेगी। दोस्तों ये सारी इंफॉर्मेशन आपको किस तरीके से लगी? अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। जिसके पास पुरानी गाड़ी है और वो रिस्टोर करना चाहता है तो उसको कितना खर्चा आता है, वो डिटेल वीडियो में हमने इसलिए बताया है। इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आगे का वीडियो लास्ट तक देखना मत भूलिए। तो चलिए देखते हैं आगे किस तरीके से वीडियो होता है। वेलकम बैक दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आपने स्टार्टिंग में देखा कि टोटल वीडियो में हम क्या देखने वाले, ये सारी बातें हम शॉर्ट में दिखाई पहले, उसके बाद गाड़ी की कंडीशन कलर करने के पहले किस तरीके से थी और टोटल तैयार हो जाने के बाद किस तरीके से दिखे, ये वो बिफोर एंड आफ्टर वाला शॉट आपने देखा। इसके बाद अब हम देखेंगे गाड़ी को कलर करने के पहले की कंडीशन किस तरीके से थी। ओके, तो यहाँ पे आप इंजन देख सकते हो, इसके साथ फ्रंट की साइड, बैक की साइड टोटली देख सकते हो, पूरी की पूरी गाड़ी डल हो चुकी थी। यहाँ पे आप देख सकते हो रस्टी भी हो चुकी थी, क्लियर कोट फट चुका था गाड़ी का, टोटली इस तरीके से कंडीशन थी। अब इसके बाद गाड़ी टोटली तैयार हो जाने के बाद किस तरीके से दिखाई देती है हम आगे वीडियो में देखेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं आगे का वीडियो किस तरीके से होता है।
ये चासी है, टोटली चासी को पेंट किया है हमने। यहाँ पे इसके ऊपर फिनिशिंग आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो ये बाकी के पार्ट्स है। ओके, ये इसका है, ये है, ये जो गाड़ी के ब्लैक वाले पार्ट्स होते हैं वो टोटली फिनिश हो चुके हैं, कलर हो चुके हैं। तो ये है, कल हमने इसके ऊपर पेंट किया था, आज सूखने के लिए छोड़ रहे हैं। आज इंजन मैगविल इसके जो बचा हुआ पार्ट है वो कलर करेंगे, और उसके बाद टंकी भी कलर करेंगे, उसकी भी प्रोसेस आगे आगे देखते जाएंगे। आज देखिए ये मैगविल है, इसके ऊपर पेंटिंग करेंगे, शॉकर, साड़ी गार्ड, हैंडल, ड्रम प्लेट, और है इंजन, उधर लगा है साइलेंसर, इसको पेंटिंग करेंगे आज। यहाँ पे आप देख सकते हो इसके ऊपर हमने ब्लैक कलर मार दिया है। अब इसके ऊपर हमें कोटिंग करनी है, मेटलिक कोटिंग होती है, उसमें स्पॉट रहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इंजन को भी हमने ब्लैक कलर मारा है, इसके ऊपर भी हमें कोटिंग करना है, तो इसकी भी प्रोसेस हम आगे जाके देखेंगे। इंजन जो होता है थोड़ा सा मेटलिक आता है, उसमें स्पॉट रहते हैं। इंजन के साथ साथ मैगविल, शॉकर्स, ये ड्रम प्लेट, इनके ऊपर हमें कोटिंग करने हैं। तो चलिए अब कोटिंग की प्रोसेस देखें। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा इंजन फिनिश हो चुका है, यहाँ पे कोटिंग की प्रोसेस हो चुकी है। कोटिंग की प्रोसेस हो जाने के बाद आपको इसके अंदर मेटलिक स्पॉट देखते होंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे साइलेंसर भी खत्म हो चुका है, इसके ऊपर हमने मैट ब्लैक कलर अप्लाई कर दिया है। ओके, कंपनी का जैसा होता है वैसा ही कराई किया है इसके ऊपर अप्लाई हमने। ओके, इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो शॉकर होते हैं, शॉकर, ये प्लेट, ये शॉकर, ये हमने सारे के सारे पार्ट्स और मैगविल भी पेंट किए हैं। इसके सारे प्रोसेस आप यहाँ पे फिनिशिंग देख सकते हो किस तरीके से है। इसके ऊपर मैट फिनिशिंग रहती है दोस्तों। ओके, कुछ इस तरीके से। सो दोस्तों, आपने अभी तक देखा जो नीचे की बॉडी के पार्ट्स होते हैं, इंजन, मैगविल, चैसिस वगैरह, उसको किस तरीके से पेंटिंग होती है और पेंटिंग हो जाने के बाद किस तरीके से दिखाई देती है, ये सारी प्रोसेस हमने देखी। अब इसके बाद हम देखेंगे जो टंकी होती है उसी के साथ साइड पैनल होते हैं, उसको किस तरीके से पेंटिंग की प्रोसेस होती है वो हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। स्टिकर किस तरीके से बिठाते हैं, उसके ऊपर कोटिंग किस तरीके से अप्लाई करते हैं, ये सारे वीडियो में इस आप वीडियो में देखेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। तो देखते आगे का वीडियो किस तरीके से होता है।